आपका, मैंने पता किया तो आपका भारत से भी एक बहुत ही रिश्ता जो है बहुत ही प्रेमल रिश्ता रहा है। तो आप ये बताएं कि मैं अभी घूम रहा था चितवन में, तो बहुत ही व्यवस्थित शहर लगा, बहुत ही साफ सुथरा, मतलब घूमते हुए ऐसा लगा कि ये भारत का चंडीगढ़ है। ओके, एकदम। मैं सबसे पहले मैं आपको इस भरतपुर महानगर पालिका जो नेपाल के बीच सेंटर में है, सेंटर भाग का ए सिटी में आपको बहुत स्वागत करती हूँ। मो भन्न चाहन्छु कि भरतपुर महानगर पालिका एकदमै एउटा व्यवस्थित नयाँ सहर एउटाको रूपमा विकास भएको छ, देशकै एउटा केन्द्र भागमा रहेको कारणले गर्दाखेरि। र मेरे साथ नरेश जी हैं जो कि हिन्दी जानती हैं, रेणु जी ऐसा नहीं कि हिन्दी नहीं जानती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन अपनी भाषा मातृभाषा नेपाली में कर रही हैं, तो जहाँ कहीं भी नहीं समझ पा रहे हैं वहाँ पे नरेश जी बता देंगे। रेणु जी अभी जिन्होंने कुछ तो मैं समझ पाया, लेकिन आप दर्शकों को बताएं कि रेणु जी ने और क्या कहा। सबसे पहले मैं आपको भरतपुर नगर पालिका में स्वागत करना चाहती हूँ। ये बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही जल जंगल जमीन के साथ ही यहाँ के प्राकृतिक स्रोत साधनों से भरपूर ये जगह में, पहले मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। और बहुत ही व्यवस्थित किस्म से इसको डिजाइन किया गया है कह रही हैं। ओके रेणु जी, मैं मोटे चीज़ को ही उसको जी। रेणु जी आपका जीवन जो है वो, मतलब जैसे आपके पिता के जीवन में स्ट्रगल जो रहा, उस स्ट्रगल की आप गवाह रही होंगी। मतलब 25 साल तक अंडरग्राउंड रहना, हालांकि प्रचंड जी कहते हैं कि मैं अंडरग्राउंड था तो फ्यूडल एलिमेंट से था और रॉयल पैलेस से था, ना कि जनता से था, तो उसके बावजूद भी 25 साल तक अंडरग्राउंड रह के जनयुद्ध चलाना राजशाही के खिलाफ, तब आप कितने साल की थी? उस वक्त में 18 साल की थी, 18 साल की थी। मैं 96 की बात है ना? हाँ, 96 की बात है। 18 साल की थे मैं, हिंदी में बोले सॉरी। हाँ, बढ़िया बोल रही हैं, बढ़िया बोल रही हैं। 18 वर्ष को थी मैं जनयुद्ध शुरू होता के लिए। कहाँ रह रही थी उस वक्त? उस वक्त मैं शुरू में तो काठमांडू रहे थे, काठमांडू में थे। जब भूमिगत हुए उस वक्त हम काठमांडू में भूमिगत अवस्था में रहे थे। आप तो तीनों बहनें आप साथ में थी? तीनों दीदी का मैरिज हुआ था, बहन और भाई और मैं भाई बहन को संभाल दी थी। तो आप ही बताएं रेणु जी कि जब आपकी मुलाकात प्रचंड जी से होती होगी, तो मान लीजिए कि वो आंदोलन से आते होंगे, लौट कर आते होंगे, जैसे होता है कि घर में पिता कोई आता है तो घर में सब फैमिली के लोग बैठकर बातें करते हैं, तो आप लोग की कैसी बातें होती थी? एकदम अब त्यो भूमिगत अवस्थामा मैले अघि पनि भनिसके हैं कि बुवा अब जनयुद्धको सर्वोच्च लिडर कमान्डर उहाँ भूमिगत हुँदाखेरि मैले घरको एउटा गार्जियनसिप परिवारको एउटा अभिभावक बनेर भाइ र बहिनीलाई मैले सम्हाल्थेँ। कह रही हैं वो जनयुद्धको समयमा जब वो अपने पिताजी पार्टी के कामों में और जनता के संघर्ष के काम में लगे हुए थे, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं भाई और बहनों को उसका गार्जियनशिप दूं, क्योंकि माँ उनके पिताजी के साथ ही अधिकांश समय रहा करती थी। तो कभी कभार मिलना हुआ करता था, जैसे 6 महीने में एक बार। तो मतलब उस समय क्या बातें होती थी ये तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन कह रही हैं कि उस दौरान हमारी बातचीत हुआ करती थी। एक बात कही जाती है रेणु जी कि प्रचंड जी जब प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक साल के भीतर इस्तीफा दे दिया, 9 महीने में जो सेना प्रमुख था उनके विवाद, तो वो उनका एक गलत फैसला था, वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। क्या आप भी ऐसा मानती हैं? गणतन्त्र स्थापना भएपछि जब पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो प्रचण्ड, त्यस पछाडि कटुवाल काण्डमा उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो। त्यो राजीनामा दिएको कुरालाई प्रचण्डले ठिक डिसिजन गरेनन् भन्ने धेरैको ठम्याइ छ। के तपाईँले पनि त्यही ठान्नुहुन्छ कि बुवाले त्यति बेला ठिक गर्नु भएन भन्ने? पक्कै पनि अब एकदमै ठुलो एउटा क्रान्ति पछाडि जुन परिवर्तन भयो र यत्रो ठुलो 250 वर्षदेखिको राजतन्त्रलाई फालेर देशमा गणतन्त्र को लाने के लिए जो लम्बे समय से संघर्ष किया गया और उसके बाद जो उस नई सरकार का नेतृत्व जो उन्होंने किया, यह अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक किस्म का एक परिघटना था नेपाल के लिए। मेरे मन में कभी कभी लगता है कि एक कर्मचारी के विषय में, थोड़ा मैं संक्षेप में ही कह देता हूँ, जो पीएलए के लोग थे उनको सेना में लाने के लिए? नहीं, वो बातें नहीं,
एक सेना के प्रमुख जो रुकमान कटवाल के साथ उनका एक टसल पड़ा हुआ, एक कर्मचारी के विषय में पिताजी को इतना बड़ा निर्णय नहीं करना चाहिए था। उनके मन में तो लगा कि नैतिकता के आधार में ये तो देना चाहिए रिजिग्नेशन, लेकिन वो मुझे आज के दिनों में भी मैं देखती हूँ तो लगता है कि पिताजी ने शायद थोड़ा जल्दी वो डिसीजन कर दिया, नहीं करते इतना, या तो उसको सेटल करना चाहिए था उस मुद्दे को, या उसमें इतना उलझने की क्या जरूरत थी, वो बस एक सामान्य सा कर्मचारी था। रेणु जी ये कह रही कि वो बड़ा ही भावुक डिसीजन था, उनको थोड़ा सा रुक कर लेना चाहिए था और कोई दूसरा फैसला हो सकता था, ये बहुत सही फैसला नहीं था। सही फैसला नहीं था, ये भी नहीं है, मतलब इतने जल्दीबाजी वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए था कि ऐसे लगता है। तो उसका उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा प्रचंड जी की राजनीति पे? राजनीति में तो त्यति नराम्रो इम्प्रेसन भएन, किनभने उहाँले आफ्नो नैतिकताको आधारमा आफूले पाइराखेको पद पनि छोडेर त्यागेर म संक्षेपमा कह देता हूँ, एक कर्मचारी के विषय में कुछ भी हो जाने के विषय को लेकर जैसे उन्होंने कर्मचारी सेना प्रमुख को बोल रहे हैं, कर्मचारी कर्मचारी कहने का मतलब है तत्कालीन सेनापति रुकमांगत कटवाल, जिससे प्रचंड की थोड़ी टसल हो गई थी, तो वो कह रही हैं कि उस विषय को लेकर या तो थोड़ा सा धैर्यता के साथ करते या कर हाँ सब्र के साथ उसको डील करते, नहीं तो अब एक प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं कि सत्ता में बैठने के लिए लोग काफी समय से अपने सही गलत सारे चीजों को ढाक छोप करके वो बैठना चाहते हैं। सेना प्रमुख को देना चाहिए था ना कि इनको देना चाहिए था? इस्तीफा दे देना वो जनता के हक में उसका एक बहुत बड़ा मैसेज गया और बहुत अच्छी बात है, उसको तो मैं फिर पॉजिटिव मानती हूँ। आपकी भी लखनऊ में? हाँ, दो बहनी बहन और मैं दोनों का एक ही दिन एक ही समय दोनों का लखनऊ से लीला होटल था वो लखनऊ में, उस होटल में हमारा शादी हुआ था। आप देखिए 2053 साल में। तो अर्जुन पाठक इतनी मैंने सुना कि वो इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, वो पंजाबी भी बोलते हैं आप? वो तो पंजाबी भी बोलते हैं हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन वो तो उनका जन्म नेपाल गुलमी जिला में है और छोटे समय में उनके पापा वो इंडिया में फौज में थे, बाद में फौज में से वो जो राजीनामा देखे फिर वो पंजाब में एक बैंक में वो नौकरी करते थे, वो बच्चे सारे उधर ही रहते थे उनका। मेरे अर्जुन वहाँ तक कितनी क्लास तक पढ़ाई की? वो तो शुरू से उन्होंने शुरू से मास्टर तक उधर ही पढ़ाई की है। टीवी पाठक ने जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया भारतीय फौज से, वो बैंक में नौकरी करने लगे, तो बैंक में नौकरी करने के दौरान ही उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था पीएलए? यस, बैंक में नौकरी करने के समय में उन्होंने इधर पीएलए जनयुद्ध से आगे पहला उन्होंने ट्रेनिंग दिए थे गोरखा जिला में आके, बाद में तो उस टाइम तो इंडियन ओवरसीज बैंक में वो नौकरी कर रहे थे। आप चंडीगढ़ गई? चंडीगढ़ में सारा जगह गए हूँ, पंजाब के हर एक जिले गए हूँ, एक पंजाब प्रांत के हर एक जिले में सब नाम बोल भी सकती हूँ, जैसे कि पंजाबी बोलना नहीं आता। अच्छा। नहीं आता मैं अब लुधियाना, जलंधर, पठानकोट और अमृतसर, मुक्तसर, इधर फगवाड़ा है ना, वो चंडीगढ़, पटियाला, सारा जगह में गए शादी के बाद। उस टाइम उधर तो बेला में म इंडिया में पनि जब मेरो शादी भयो म इंडिया में अखिल भारत नेपाली महिला समाज को म सेंट्रल कमिटी में केन्द्रीय प्रेसिडेंट भएर म काम गरे, म अल इंडिया पनि म घुम्थे, पंजाब को तो म सब जिला में गएको छु, अल इंडिया पनि म जस्तो अब यता यूपी यता के रे मध्य प्रदेश, मुंबई, हैदराबाद, मद्रास, उधर कलकत्ता, सारे जगह गए हूँ।